सियापत राम चंद्र की जय। देखो कार्तिक मास प्रभात फेरी का ये अनुष्ठान है। हम लोग कार्तिक मास में पिछले 3 साल से इसी तरह से अनुष्ठान करते हैं, प्रभात फेरी करते हैं यहाँ पर। मैं जो आज विशेष तौर पर ये आपको बताना और कहना चाहता हूँ कि हम लोग जहाँ प्रभात फेरी करते हैं यह भूखंड ब्रज धाम का ही हिस्सा है। कई लोग इसको कहते हैं फरीदाबाद फरीदाबाद, नहीं नहीं नहीं, इस जमीन से इस संस्कृति से फरीद वरीद का कोई मतलब नहीं है। ये तो जो जो आक्रांता टाइप के लोग थे जो हिंदू संस्कृति को मिटाना चाहते थे, उन्होंने इसका नाम फरीद रख दिया, फरीद से जोड़ दिया। फरीद तो पाकिस्तान में हुआ था, यहाँ इस मिट्टी से ये ब्रिज की भूमि से फरीद का कोई मतलब नहीं है। तो ये फरीदाबाद वरीदाबाद कुछ नहीं है, ये उत्तरी ब्रिज भूमि है, ये ब्रिज भूमि का ही भाग है। देखो हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं, हम लोग कितनी पवित्र रज में रहते हैं, ब्रिज की रज में रहते हैं। इसलिए जब आप प्रभात फेरी सेक्टर 64 या बल्लमगढ़ के एरिया में लगाएं तो यही भाव रखें कि हम लोग वृंदावन के प्रभात फेरी कर रहे हैं। अब आप कहेंगे जी ये तो बनावटी बात है। नहीं, बनावटी बात नहीं, यही सच्ची बात है। इतनी पवित्र राज, इतनी पवित्र भूमि, इतना पवित्र स्थान मुझे लगता नहीं भारतवर्ष में कहीं और कोई होगा जितना पवित्र स्थान ये एरिया है। देखिए हमारे पूर्व में जिधर सूरज निकलता है साक्षात कृष्ण भगवान यमुना जी के रूप में विराजमान है। जहां आप खड़े हैं जो 64 सेक्टर या ये एरिया है, ये यमुना जी का ही एरिया है। आप एडोर की अगर बिल्डिंग को देखें तो यहां पर जब खुदाई हुई थी तो रज निकली थी यमुना जी की। महाभारत काल में अरावली पर्वत के साथ यमुना जी बहती थी और यमुना जी के किनारे ही द्रोणाचार्य जी ने कुल माता की स्थापना की थी, जिसको आज भी गुड़गांव गुरुग्राम के रूप में जाना जाता है और वहां पर माता की पूजा अर्चना आज तक होती है। वह गुरुग्राम द्रोणाचार्य के नाम से ही है। ये यमुना जी के किनारे ही था, अरावली पर्वत के साथ साथ यमुना जी बहती थी। तो पूरब में हमारे साक्षात कृष्ण भगवान यमुना जी के रूप में विराजमान है। अगर हम दिल्ली यानी कि उत्तर की तरफ की बात करें तो वहां भी यमुना जी विराजमान है। दिल्ली की तरफ यमुना जी विराजमान है ना, यानी कि हमारे पूरब में यमुना जी विराजमान है, हमारे उत्तर में यमुना जी विराजमान है। अगर हम पश्चिम की बात करें तो ऋषि पारसौन की जो तपोसतली है, जहां पर ऋषि पारसौन जी पैदा हुए थे अरावली पर्वत में अनखीर गांव के पास पहाड़ों में, वहां पर पराशर ऋषि ने तपस्या की थी, उनकी जन्म स्थली है। वहीं पर उनके पुत्र वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। कितना पवित्र स्थान है जो 5000 साल वर्षों से वहां पर मंदिर है, गंगा जी का प्रादुर्भाव है और लोग हर पूर्णिमा या अमावस्या को अपनी श्रद्धा अनुसार वहां जाते हैं। तो ये पराशर ऋषि की पवित्र भूमि है। अगर आप पश्चिम की दक्षिण की बात करें, दक्षिण के अंदर आपने सुना होगा प्रथला गांव है। प्रथला गांव का नाम प्रथा के नाम से है, जिनको बाद में कुंती कहा गया। वहां पर बनी नाम का एक जंगल है जहां पर 5000 वर्ष पुराना मंदिर है जो दुर्वासा ऋषि की तपोसतली है। दुर्वासा ऋषि वहां पर तप किया था। दुर्वासा ऋषि पांडव काल से ही है माने हुए संत हैं, दिव्य संत हैं। आज भी वो यहां पर घूमते हैं। आपको पता होगा सिंह गांव में नागेश्वरी मंदिर है, जहां महाराज परीक्षित की जो सर्प से डंश से जो मृत्यु हुई थी, उस उपलक्ष में उनके बेटे जन्मेजय ने हवन कराया था, यज्ञ कराया था सर्पों को नष्ट करने के लिए। यानी कि इतना पवित्र स्थान है, संतों का, मुनियों का, ऋषियों का पवित्र स्थान है। इसी अरावली पर्वत में पांडव गुप्त काल में रहे थे। यहीं पर अगर आप देखें मुजेसर गांव के अंदर हृदयराम कुंड है। हृदयराम बाबा साक्षात शंकर जी के अवतार माने जाते हैं। तो ये जो पवित्र स्थान है, ये उत्तरी ब्रिज है, ये फरीद वरीद कुछ नहीं हमारे लिए। फरीद का कोई यहां पर संपर्क नहीं रहा। फरीद का ना यहाँ संस्कृति से जुड़ाव है, ना फरीद इस इलाके में कभी आया था। ये नाम तो हम लोगों के ऊपर थोप दिया गया है,
कुछ लोगों के द्वारा जिन्होंने देश का बंटवारा कराया था, उन्होंने इसका नाम फरीद रख दिया। और इसलिए हम लोग भ्रमित रहे, हम ये सोचते हैं कि हम ब्रिज की परिक्रमा देने जाएंगे, ब्रिज धाम जाएंगे। अरे हम खुद ब्रिज में रहते हैं, भगवान कृष्ण की राधा जी की रज है ये, इसके अंदर कण कण में परमात्मा छुपे हुए हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप जो प्रभात फेरी का जो अनुष्ठान करते हैं, सुबह प्रभात फेरी करते हैं, इसका पुण्य उतना ही आपको मिलता है, मैं गारंटी दे रहा हूं, जितना ब्रज धाम की परिक्रमा करने पर जीव को मिलता है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो अब एक छोटा सा भजन आप लोग बोलेंगे, मैं पहले बोलूंगा और फिर आप लोग बोलेंगे, ठीक है? बोलेंगे ना? हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है, हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है, हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है, हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है, अपना तन मन धन और जीवन माटी का उपकार है, माटी का उपहार है, इस माटी में जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने, माटी में गीता गाई यदुकुल भूषण श्याम ने, कन कन मंदिर इस माटी का, कन कन में भगवान है, हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है, हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है, बसियापत रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, दुख बिन के रख काल कामी के प्राण पति, आ
सुखी बसे संसार।